इनको हाँ ऑर्डर है आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू भैया के दुकानदार है अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान, ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे, और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना। तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल, मैं तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ। रिएक्शन वीडियो है, आप देख लीजिए। बिना अभी का हाँ मेरा ठीक है ना, हम बिना हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के माती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना, हम तो मुसलमान हैं। आप बोलेंगे हम बोलते ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप हम नहीं पढ़ेंगे, जिस तरह आपका, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं का नहीं बोलोगे, हमारा भी मजहब, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। क्या लेना है आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते, मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आने दूंगी, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो, बोलो सुनो आप, मेरे, सुनो मेरी बात, आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे, अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर नहीं आने देंगे वो, फिर अलग बात, हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के, अपने कश्मीर में रहो, हाँ कश्मीर किसका है, वो भी हिंदुस्तान का ही है ना, है होगा होगा, बोल मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा, वो फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे, आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम, आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते, अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओगे, नहीं आओगे, ये मत बोलो हिंदुस्तान में, हमारा जो हिमाचल है ना वो एस कट्टर हिंदुओं का, अब हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं सब, सबका संगठन बन चुका है, सही है, आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ, हमारे तरफ से हिमाचल में मत आ गया, हिंदुस्तान का आपके घर होंगे वहाँ रहो आप।